क्या क्या कार्यक्रम रखा है सर पूरा पकवाड़ा में? आज स्वच्छता ही सेवा जो कार्यक्रम है उसका आज शुरुआत हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कार्यक्रम चलेंगे 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक चलेंगे, करीबन 15 दिन चलेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश में या देश भर में कुछ नया कार्यक्रम नहीं है, ये जिसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 2014 से लेके इसको स्वच्छता अभियान को जब से लॉन्च हुआ है, तो देश भर में जो खास करके क्लीनिनेस ड्राइव को लेके एक बड़ा एक जन आंदोलन के तौर पे अभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत ही एक अच्छा बात है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी जैसे आज जो सवेरे जो कार्यक्रम हुआ है, हमारा DNGC कॉलेज से लेके एक वाकाथॉन अरेंजमेंट किया गया है, वहाँ से लेके यहाँ दोरजी खंडू कन्वेंशन सेंटर तक। और इस बार के पार्टिसिपेशन में मैंने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हुआ है, स्टूडेंट्स बॉडी लोग भी शामिल हुआ है, और हमारा खास करके जो युवा दोस्त लोग हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो लोग भी अच्छे नंबर्स में शामिल हुआ है। तो मैं आप सभी जो चैनल्स के माध्यम से पूरा अरुणाचल प्रदेश के जनता को हम ये निवेदन अपनी ओर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम साल में 100 घंटे हम लोग क्लीनलीनेस के ऊपर में हम लोगों को डेडिकेट करना चाहिए, और साफ़ सुथरा के बारे में अपने परिवार में हम लोगों को चर्चा करना है, साफ़ सुथरा के बारे में अपने गाँव में इसको चर्चा करना है, क्योंकि हम लोग जब स्वच्छ रहेंगे तब जाके अपना बॉडी का हेल्थ यानी कि स्वस्थ भी होगा। तो क्लीनलीनेस, साफ़ सुथरा, अपना बॉडी को भी साफ़ सुथरा, घर को भी साफ़ सुथरा, कंपाउंड को भी साफ़ सुथरा, गाँव को या शहर को सब साफ़ सुथरा रहना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ आज के इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अरुणाचल के जितनी भी जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनको भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। वो लोग अपना सेल्फ मोटिवेटेड करके, ऐसे कई सारा संस्था ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग अपने ग्रुप बना के वो लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, कहीं लोग वेरियस रिवर्स अरुणाचल का है उसको भी साफ़ सुथरा करने में लगा हुआ है। तो जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है स्वच्छता को लेके, जो लोग सदियों से, जो लोग कहीं सालों से, कहीं दिनों से जो लगे हुए हैं, उन सभी के मेंबर्स और उनका ऑर्गेनाइजेशंस को मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जैसे मैंने आज के प्रोग्राम में भी इसको थोड़ा सा मैंने बताया था कि गार्बेज मैनेजमेंट को लेके अभी भी सही ढंग से एड्रेस हो नहीं पा रहा है, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो दोनों डिपार्टमेंट को मैंने जिम्मेदारी दिया हुआ है कि एक ऐसे एक मैकेनिज्म लेके आओ जहाँ पे देश भर में जहाँ गुड प्रैक्टिसेस हो रहा है गार्बेज कलेक्शंस या उसका गार्बेज डिस्पोजल का मैनेजमेंट को लेके, उसको हम लोग अपना अरुणाचल प्रदेश में हम लोग रेप्लिकेट करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि गार्बेज तो देखो इट्स इन पार्ट ऑफ लाइफ, गार्बेज तो वो तो निकलेगा, हर एक घर से गार्बेज निकलता है, तो उसको सही ढंग से डिस्पोजल करने के लिए या लोगों को और भी इसका गार्बेज मैनेजमेंट के ऊपर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अच्छा मॉडल हम लोगों को तैयारी करना है। आने वाला दिनों में उम्मीद है कि इसको एड्रेस करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़ और UD डिपार्टमेंट, इसमें इस जो प्रॉब्लम जो हो रहा है उसका एड्रेस करेंगे। तो मैंने इस बार का थीम जो लिया, अच्छा अच्छा, ये तो जनरली वो तो सभी के लिए है, केवल आज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन्हीं के लिए नहीं है, इट डिड्स एंड वॉलंटरली, और ये अपना जो एक ड्यूटी है राष्ट्र के लिए, ये नेशन के लिए अपना एक ड्यूटी होता है, हम सभी का ड्यूटी है कि अपना स्वच्छता को हम लोग कायम करने के लिए, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो केवल आज जो यहाँ पे कार्यक्रम आया उन्हीं का ही ड्यूटी बल्कि नहीं है, वो तो सभी का ही ड्यूटी है। और मैं आपका सभी चैनल्स के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी कर चुका हूँ, अपील भी कर चुका हूँ अरुणाचल के सभी जनताओं को कि स्वच्छता में आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए भी है। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले अगर हम लोग कंपेयर करेगा, फॉर एग्जांपल ईटानगर का, तो 10 साल पहले जो गंदगी या लोगों का जो माइंडसेट था, 10 साल के बाद में काफ़ी सुधार आ गया है, काफ़ी साफ सुथरा भी हो गया है, और जो माइंडसेट में भी काफ़ी चेंज हुआ है, तो फ़र्क तो हुआ है डेफिनेटली। तो हम लोग एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा परफेक्शनस में ही हम लोग सोच के बैठते हैं, तो परफेक्शनस तो इतना जल्दी तो आएगा नहीं, मगर जैसे जैसे अभी अपना साल बीतते जाएगा तो लोगों का भी एक मेजोरिटी सोचने का ढंग भी अकॉर्डिंगली चेंज करके आएंगे। और इस बार का जो स्वच्छता ही सेवा का जो कार्यक्रम है,
इसमें जो स्पेशल थीम जो रखा हुआ है कि आपका स्वभाव भी स्वच्छता होना है और अपना ये संस्था भी स्वच्छता होना है, संस्कार भी स्वच्छता होना है, तो अपना बिहेवियरल में हम लोगों को क्लीनलीनेस लेके आना होगा और अपना ट्रेडिशन में भी आपको जो क्लीनलीनेस जो हम लोगों का था उसको और भी हम लोगों को बरकरार रहना होगा। सो मैं आज के स्पीच में भी मैंने कहा था कि हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को लेके उस ज़माने में उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर में चर्चा किया है। उनका जो मानना है कि क्लीनलीनेस जो है अपना माइंडसेट, सोचने का ढंग भी क्लीन होना है, अपना बॉडी भी क्लीन होना है और साथ साथ अपना सराउंडिंग्स भी क्लीन होना है। जब ये जो तीन पिलर जो मिल जाता है तो अपना सोसाइटी का ये रिफ्लेक्शन होता है और चाहे ये देश का ये रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके ऊपर में वैसे सभी लोग अपने तरीक़ा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर और भी हम लोगों को जागरूकता के साथ में इसमें और भी शामिल होना है और क्लीनिनेस को लेके और भी अवेयरनेस हम लोगों को फैलाना है।